आज ना मेरा कुछ ज्यादा ही मैक्रोनी खाने का मन कर रहा था। एक तो ठंडा ठंडा मौसम आ रहा है, कुछ गरम गरम खाने को मिल जाए तो उसका मजा ही अलग है। तो मैंने भी स्टार्ट किया मैक्रोनी बनाना। 2 से 3 लोगों के लिए मैंने इसको बनाया। अच्छे से पानी में मैंने इसको वॉश किया एंड देन इसको मैंने बॉयल किया नमक के साथ एंड थोड़े से ऑयल के साथ। एंड देन कुछ वेजिटेबल्स थी जो मैंने चॉप करके पहले से रेडी कर ली थी, तो जो कि आप देख सकते हैं क्या क्या मैंने वेजीज इसमें ऐड किए हैं। सब वेजीज अपने अकॉर्डिंगली डालते हैं, आपको जो पसंद है आप वो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टोमेटो का यूज़ किया है एंड 2 रेड चिली मैंने इसको ठंडे पानी में रखी थी। इसका मैंने पेस्ट बनाया था, इसका पेस्ट के साथ ना स्वाद अलग ही हो गया था, थोड़ा चटपटा खाना। देन कुछ लोग बटर से बनाते हैं, कुछ लोग ऑयल से तड़का लगाते हैं। यहाँ पे मैंने लहसुन लिया, लहसुन को अच्छे से ब्राउन होने दिया एंड देन यहाँ पे जिंजर एंड गार्लिक का मैंने पेस्ट यूज़ किया एंड फिर उसके बाद मैंने इसमें अनियन ऐड करी, उसको अच्छे से पकाया। देन मैंने इसमें ग्रीन चिली ऐड करी, मैंने 2 ग्रीन चिली ली थी, उसको मैंने एकदम छोटी छोटी कट करी। देन मैंने वेजीज ऐड करी, कैप्सिकम, बीन्स एंड कैरेट। अब कोई सोचेगा कैरेट कौन डालता है, बट जो चटपटे का और मीठे का स्वाद होता है ना वो अलग ही होता है। तो इस तरीके से मैंने पहले भी ट्राई करी थी, बहुत यम्मी एंड टेस्टी बनी थी। अगर आप लोग भी इस तरीके से ट्राई करेंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड देन ये जो टमाटर थे, मैंने 1 ही टमाटर लिया था जिसका अंदर का बच गया था, तो इसको हमें फेंकना नहीं है, इसे हमें यूज़ करना है। तो इसको मैंने ऐड किया, इसको मैंने अच्छे से सॉफ्ट कर लिया। फिर मैंने इसमें ऐड किया सॉल्ट एज पर टेस्ट। फिर इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया, सिर्फ 1 चम्मच, आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। इसको मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनाया हुआ था। देन मैंने 1 पास्ता मसाला यूज़ किया है, 1 पैकेट सिर्फ। फिर जो मैंने सूखी लाल मिर्च का पेस्ट बनाया था वो मैंने इसमें ऐड किया। ये ज़्यादा थिक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने सिर्फ 2 यूज़ की थी। देन मैंने इसमें केचप ऐड करी, एटलीस्ट 2 से 3 चम्मच। फिर मैंने इसमें 4 चम्मच मिल्क ऐड किया है, क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंगली आप देख ले सकते हैं, इसको थोड़ा सा चीज़ी बनाने के लिए। देन जो बचे हुए टमाटर थे वो मैंने इसमें ऐड किए, बट वो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो इसमें मैंने मैक्रोनी ऐड कर दी एंड इसको मैंने फिर अच्छे से मिक्स 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 किया। और इसकी फिर जो खुशबू आ रही थी ना पकने की, बनने की, उसकी खुशबू ही मतलब ऐसे दिल में समा गई थी कि बस अभी के अभी खा लो। फिर इसको मैंने 2 मिनट के लिए ना प्लेट से ढक भी दिया था ताकि अच्छे से कुक हो जाए, सारे मसाले एक साथ ऐड हो जाए। देन मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया, फिर इसको मैंने ऊपर से गार्निश करने के लिए कोरिएंडर का यूज़ किया है। फिर आप मेरी देख सकते हो मैक्रोनी क्या बढ़िया रेडी हुई है, गर्मा गर्म। एंड फिर अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आपको पता होगा वीडियो को लाइक कर